हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काजमी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ सर्दी के मजे भी ले रहे होंगे। आज जब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये सोच रही थी कि हम कौन सी सियासी खबरों और टॉप स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, तो अचानक से मेरी नजर इस हेडलाइन पर पड़ी जो कि आज न्यूज की हेडलाइन है कि कराची से खैबर तक जाड़ा ही जाड़ा। तो कराची वालों स्वेटर निकाल लो, क्वेटा में भी सर्दियां आ गई हैं और बहुत सारे लोगों ने तो स्वेटर क्या जैकेट्स और सारी चीजें निकाल ली होंगी ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो जनाब ये तो सर्दी का हाल है और लोगों ने जो है वो फूड स्ट्रीट्स का भी रुख कर दिया है और साथ साथ लोग जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस विंटर सीजन को, क्योंकि आज दो दिन से जो कराची में सर्दी पड़ी है तो पूछिए मत कि कितनी ज्यादा सर्दी है। कि मैं और अनम जब शो स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अनम हम जो है वो थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा के बैठते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। तो अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किन का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और अब बढ़ते हैं हमारे शो की मेन थीम की जानिब जो कि होती है पॉलिटिकल न्यूज स्टोरीज, करंट टॉप स्टोरीज। उसके बारे में आज क्या है उसके बारे में, जहां नवाज शरीफ भी है, कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्लामाबाद में पार शो किया और तनकीद का निशाना भी बने कि जी बहरिया टाउन के जो वर्कर्स थे बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। साथ साथ नवाज शरीफ ने भी एक दफा फिर से सहाफियों से गुफ्तगू की और तनकीद का निशाना बनाया अदलिया को और कहा यही कहा जो वो कहते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी आवाम भी जानती है। और कर एक और डेवलपमेंट हुई बाकर नजफी की रिपोर्ट के हवाले से जिसको मुस्तरद कर दिया गया है डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी की जानिब से, और वो कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ गलती थी और राणा सनाउल्लाह को जो है वो मुरीद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। तो ये तो हो गई तमाम टॉप स्टोरीज, ये तो हो गई वो तमाम बातें जो कल भी मरकजी ने कह रही, लेकिन परसों वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है वो हाईकोर्ट में पेश हुए और पेश इसलिए नहीं हुए कि वो किसी टेररिज्म के ऊपर बात करनी थी, पेश इसलिए हुए कि कराची की सूरत हाल के हवाले से उनको बताना था कि कराची में जो कचरा है, कराची की जो बैड गवर्नेंस है उसका जिम्मेदार कौन है, इतने फंड्स कहाँ जाते हैं, लाड़काना में क्या हो रहा है। और आज उसी हवाले से जो है साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल को भी बुलाया गया है और उनसे भी पूछगछ की जाएगी। और ये वही बात है जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर देखा जाए तो फारूक सत्तार भी शहर के मेयर रह चुके हैं, फिर वजीर आला सिंध भी काफ़ी काम कर रहे हैं, दूसरी जानब मुस्तफ़ा कमाल जिनको बेस्ट मेयर का खिताब भी मिल चुका है उनको भी आज बुलाया है। तो अब कुछ लगता है कि सीरियसली एक्शन ले लिया गया है और कराची के अंदर जो बढ़ती हुई गंदगी है, कचरा है, उसको साफ कर ही दिया जाएगा। तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि सेहत की कायमा कमेटी की जानब से भी एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया गया और उसमें यह भी कहा गया कि सिगरेट नोशी की वजह से गुज़िश्ता साल 1,28,000 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं और इसी वजह से जो है अब इसके ऊपर एक्शन होगा और इसी वजह से जो है इसके बारे में बात की जाएगी कि ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है। और कमेटी के अंदर ये भी कहा गया है कि क्योंकि कीमतें कम हो रही हैं इसलिए उन कंपनीज के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। तो ये हैं आज की सारी टॉप स्टोरीज जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल जनाब, लेकिन आज जो है मरकज निगाह कराची है और वो क्यों, क्योंकि कराची के हवाले से सबसे पहले तो जो इत्तला आ रही है वो ये कि तेज हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। 46 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, 46 किलोमीटर की रफ्तार से, और हम देख रहे हैं कि कराची में अचानक से ठंड बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर दूसरी स्टोरी जो थी वो आज यही हमने देखा कि कराची में जो पानी के मसाइल हैं उस हवाले से आज एक पेशी है, अहम पेशी है, और अभी इसी हवाले से आप थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग भी देख रहे होंगे कि आज जो अहम पेशी है उसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह हो या फिर मुस्तफ़ा कमाल हो, वो भी अपने कारकुनों के हमरा जो है वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी पेशी के बाद जो है ओवरऑल सिचुएशन वाजी हो जाएगी कि हो क्या रहा है। लेकिन कल की जो बड़ी और अहम खबर रही है वो बाकर नजफी की रिपोर्ट के हवाले से रही है। बहुत लोगों को इंतज़ार था, 3.5 साल के बाद इस रिपोर्ट ने अब मंजर आम पर आना था और लोग कह रहे थे कि जी ये वापस सामने आएगी, रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर मुलजिमान का भी पता चल जाएगा कि कौन असल में कसूरवार है। लेकिन हमने देखा कि जब कल रिपोर्ट आई ना तो हुकूमत वाले इस चीज़ को मानने को तैयार हैं, वो कहते हैं कि जी पूरी रिपोर्ट जो है वो नुक्स से भरी पड़ी है, और दूसरी जानब हम देख रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब भी सेम ही बयान दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। प्लस हमने देखा कि डेट जो उसके ऊपर मैंशन थी वो डेट भी जो है वो इस साल की यानी 2017 की मैंशन थी जिसके ऊपर काफी तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो ये रिपोर्ट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जब मंजर आम पर आएगी तो सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि असल में
मुजरिम कौन है, असल में मुलजिम कौन है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने होता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा जनाब कल की एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी थी कि यौमे तासीस मनाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का इन लोगों की जानिब से ये जो मैदान है वो सजाया गया। यौमे तासीस की तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन जब ये मैदान सजाया गया तो कल काफ़ी हद तक हम देख रहे थे कि हमारे सियासतदान भी झूमते हुए नजर आए, जिनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई, चाहे वो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब हो, जिनकी वीडियोस जो है वो मेरा ख्याल है कि कल सारा टाइम ट्विटर पे भी चलती रही, फेसबुक पर भी चलती रही, लोगों ने बहुत पसंद किया उनका डांस और काफ़ी पुरजोश भी थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो बातें की जा रही थी कि इस जलसे से ही बात वाजह हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कितनी स्ट्रांग है, तो क्या वाकई में वो अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो सके, क्या जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं अगले इलेक्शंस में भी उसी तरह से जो है वो इनका वोट बैंक बढ़ पाएगा या नहीं, इस सब पर जो है वो आज के शो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर कायद को साफ पानी फराहम करने और सिंध में आलूदा पानी से मुतालिक केस की समाअत, साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफा कमाल पार्टी रहनुमाओं के हमरा अदालत पहुंच गए, वजीर आला सिंध कुछ देर में अदालत में पेश होंगे। हुकूमत पंजाब ने आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मॉडल टाउन वाकये की रिपोर्ट आम कर दी। जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत पुलिस और राणा सनाउल्ला के किरदार पर उंगली उठा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन में इंसदादे तजावजात ऑपरेशन शहबाज शरीफ की हिदायत पर राणा सनाउल्ला ने किया, 14 अफराद कत्ल हुए लेकिन पुलिस ने किसके कहने पर फायरिंग की कुछ मालूम न हो सका। ये जो वन मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है, इसकी रिपोर्ट किसी भी मुकदमे या इस मुकदमे में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो टू असर्टेन द फैक्ट्स, ये फॉर इंफॉर्मेशन होती है। इसका उस केस की एफआईआर, उस केस की इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रायल के ऊपर तब तक कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सबूत एक तरफा, नतीजा गैर मुअस्सर, राणा सनाउल्ला ने गैर मुसद्दका इत्तला'आत पर बनाई गई रिपोर्ट को नकायस का मजमुआ करार दे दिया। बोले, वन मैन कमीशन रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं, इसमें ना तो वजीर आला से पूछा गया और ना ही तसादुम के जिम्मेदार किसी एक शख्स की निशानदेही की गई। रिपोर्ट शाया ना करने का मकसद ये था कि इससे फिरका वारियत या इंतशार ना फैले, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। हमने दो दफा इनकी जमहूरियत बचाई है, एक दफा जब ये जाली मैंडेट लेके आए, दूसरी दफा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था। आसिफ जदारी ने नवाज शरीफ का साथ देने से साफ मना कर दिया, कहते हैं नून लीग को वक्त से पहले हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। गॉडफादर की जमहूरियत को दो बार बचाया लेकिन अब साथ नहीं देंगे। बिलावल ने भी साबिक वजीर आजम को निशाने पर लिया, कहा नवाज शरीफ ने आइन में तब्दीली करके अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने हर आमिर का डट कर मुकाबला किया और इल्मे बगावत बुलंद किया। जब अवाम के हकूक सलब किए गए तब तब की हेडलाइंस। जी जनाब, सबसे पहले एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और कल की जो बड़ी खबर है वो यौमे तासीस के हवाले से ही है और सेम यहाँ पे बयानात जो है वो आसिफ जरदारी के और बिलावल भुट्टो के लगाए गए हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमने देखा कि कल जब आसिफ जरदारी साहब ने खिताब किया तो उनकी जो बातें थी और बिलावल भुट्टो की बातें थी उनमें थोड़ा सा फर्क दिखाई दिया। बिलावल भुट्टो ने इस बार हमने देखा कि अपोजिशन में किसी के ऊपर भी कोई तनकीद नहीं की, बहुत ही सेफ प्ले किया, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बातें उन्होंने की है। लेकिन आसिफ जरदारी अगर हम बात करें तो उनकी बातों से कल कुछ इशारे मिले हैं जिससे ये बात वाजे होती है कि जो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मुतालबे करती रही है कबल अज़ल इंतखाबात के हवाले से, तो वो कुछ इशारे जो हैं आसिफ जरदारी की बातों में भी नज़र आए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब नवाज शरीफ का हमने हर बार साथ दिया, इससे पहले दो बार हमने जो है जमहूरियत की खातिर उनके साथ खड़े हुए हैं लेकिन इस बार ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी क्योंकि वो जमहूरियत के जो है मुहाफिज इस वक्त नहीं है। तो यही आज मेन जो खबर है यहाँ पर लगाई गई है।
जिसके बाद हमने देखा कि कल एक तो ये अहम मौजू जो है वो ज़ेर बहस रहा, उसके अलावा इमरान खान की जानिब से भी। वैसे तो हम देखते हैं कि हुकूमत को तनकीद का निशाना हर बारी बनाया जाता है, लेकिन कल उनकी जानिब से एक बड़ा ऐलान भी किया गया और वो ऐलान इशारन के नारन था, क्योंकि सुनने वाले मेरा ख्याल है समझ गए होंगे सूरत हाल कुछ यूँ थी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्शन से पहले हम उनके साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद बनाएं। लेकिन एमक्यूएम के बारे में सोचा जा सकता है, यानी कि सूरत हाल कोई ऐसी बन सकती है के आगे आने वाले इंतखाबात में हम देखें कि एमक्यूएम जो है वो तहरीक इंसाफ में। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पर हमने यहाँ पर छोड़ा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो 50-50 है कि एमक्यूएम के हवाले से वो गठजोड़ कर सकती है या नहीं कर सकती है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर आ गया है एक इंस्टेंट ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक सिटी नाजम कराची मुस्तफ़ा कमाल अदालत पहुंच चुके हैं, तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, दोनों अहम शख्सियात जिन्हें तलब किया गया था वो पहुंच चुके हैं, कब तक समाअत शुरू हो जाएगी? शमील से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत अब से कुछ देर के बाद होना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक सिटी नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल को अदालत तलब किया गया था और दोनों शख्सियात अदालत पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री जिसमें आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत अब से कुछ देर के बाद होना है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक नाजिम कराची मुस्तफ़ा कमाल अदालत पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया गया था, इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल को भी आज की समाअत के दौरान तलब किया गया था, लिहाजा पहले मुस्तफ़ा कमाल पहुंचे और उसके बाद अब से कुछ देर पहले तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। सिंध में आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल को पेश होने का हुक्म दे रखा है और दोनों अहम शख्सियात पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब मुस्तफ़ा कमाल पहुँचे थे, अनीस खान खानी भी उनके हमरा हैं और आज उन्होंने अदालत में पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री आज आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत करेगी, जिसके लिए मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब किया गया था, इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब किया गया था और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पहुंच चुके हैं और उनसे पहले मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी के हमरा अदालत पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में आलूदा पानी फरहमी की इसकी अब से कुछ देर के बाद समाअत शुरू हो जाएगी। शमील से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि समाअत कब तक शुरू होनी है और आज की समाअत की कार्रवाई से भी वो हमें अपडेट करेंगे कि क्या सवालात होने वाले हैं इन दोनों अहम शख्सियात से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री जिसमें आलूदा पानी की फरहमी केस की समाअत अब से कुछ देर के बाद होनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, समाअत में उनको तलब किया गया था अदालत की जानिब से, तो आज वो समाअत के दौरान अदालत के सामने पेश होंगे। इसके अलावा साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल को भी तलब किया गया था, वो भी अनीस कायम खानी के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं और आज अदालत में पेश होंगे। कुछ अहम सवालात जो इससे पहले की समातों के जी बिल्कुल, जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है बहुत सुहाना मौसम है इस्लामाबाद का, यहाँ पर सर्दी काफ़ी है, सुबह और शाम के वक्त जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है और मैदानी इलाके जो है ये क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर इतनी धुंध नहीं होती, लेकिन मैदानी इलाकों में धुंध की शदीद लपेट में है। मैदानी इलाके जो हैं तमाम सियासी दर्जा हरारत भी जो है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हाई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है आज अहम केसों की समाअत है, जिसमें ख्वाजा साद रफीक का केस है, शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत के हवाले से केस की समाअत होगी, इसके अलावा शरीफ खानदान के इंसाफ अदालत में जो केस है लंदन फ्लैट्स के हवाले से उस रेफरेंस की आज समाअत होगी, इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी जो है आज सराजुल हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके अलावा कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज के अहम इजलास भी हैं। जी ठीक है। अच्छा राना तारिक, मौसम के हाल से तो आपने अपडेट किया, ये बताइए कि जबरदस्त किस्म का मौसम है, कोई फेस्टिवल वगैरह भी है इस्लामाबाद में या नहीं?
जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में जो है बहुत सर्दी है, शदीद सर्दी है। सुबह और शाम के वक्त तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। लोगों ने स्वेटर जर्सियाँ अपनी निकाल ली हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। लेकिन तमाम जो बाहर से इस्लामाबाद आते हैं उनके लिए जो है वो शिद्दत वाला मौसम है, क्योंकि दूसरे इलाकों में बहुत कम सर्दी। बहुत शुक्रिया राना तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, जहाँ पर फेस्टिवल तो ऐसे कोई नहीं है लेकिन पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कुछ यू नो कुछ केसेज हैं जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो हम ज़्यादातर देख रहे हैं इस्लामाबाद में। इसके अलावा मौसम के हवाले से जो वो अपडेट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि जब भी इस्लामाबाद में ठंड पड़ती है ना, तो इस्लामाबाद में फेस्टिवल्स होने से ज़्यादा लोग रुक करते हैं मरी का या फिर नथियागली का। हाँ, ये होता है ना कि फैशन शोज़ भी हो रहे होते हैं, उसमें विंटर कलेक्शन भी आ रही होती है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो मरकज़ी निकाह होते हैं वो कि इस दफ़ा सर्दियों में जो है वो क्या कलेक्शन आ रही है। और अभी मैं कल जब ऑफिस से वापस जा रही थी तो मुझे हमारी कोई कैमरामैन मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बुक फेयर कोई लगने वाला है कराची में भी, तो फैब में आई थिंक, तो उस हवाले से कोई प्रिपरेशन थी या कोई इनॉग्रेशन थी तो वो जा रहे थे कहीं। तो मुझे फौरन से याद आया कि गुड मॉर्निंग आज ने जब बुक फेयर कवर किया था और मैं और अनम वहाँ पर गए थे, तो अनम तब भी यही सीजन था और इतना ज़बरदस्त किस्म का वो बुक फेयर था, और अब दोबारा से लग रहा है तो डेफिनेटली एक्सपो जाएंगे सारे और फिर उसको कवर अप करेंगे कि किस तरीके से अब कौन कौन सी बुक्स जो है वो आई हुई हैं। बिल्कुल जनाब, कराची के हवाले से तो वैसे ही बड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती है कराची में, लेकिन आज कराची के जो मेन एक्टिविटीज़ है जो होने जा रही है वो डेफिनेटली कुछ केसेस ही हैं जो कि कराची के पानी के हवाले से ही है। इसके अलावा अगर बात करें कराची में, तो ठंड के बाद अब हम देख रहे हैं कि कपड़ों की मांग में तो इजाफा हुआ ही है, साथ साथ ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी इजाफा हो चुका है। और सुबह सुबह अगर आप देखें सुबह, तो सुबह सुबह हमने देखा कि बहुत जो ढाबे होते हैं उसके ऊपर लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ है। कुछ सर्दी जो है वो कराची वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, कोयटा की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब रुक करते हैं लाहौर का और वहाँ पर देखते हैं कि सर्दी किस तरह की है। हुमा भट्ट मौजूद है, हुमा भट्ट कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त बाहर खड़े होना और रिपोर्टिंग करना इतनी ठंड में? नहीं नहीं, आज तो मैं नहीं कहूंगी कि ठंड है, ठंड तो यकीनन दिसंबर का महीना है तो वो तो होनी ही है, लेकिन धूप बिल्कुल मेरे सामने है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर खड़ा होकर। मैं कब से यहीं पर खड़ी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि बीवर स्टार्ट हो, लेकिन मैं रहूँ यहाँ पर धूप में ही, तो इसके लिए आज तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। आज मेरा जो सर्दी है थोड़ी सी कम फील हो रही है, वैसी भी लग रही जैसे कि कुछ दिनों पहले लग रही थी। सो हम लोगों ने सुना है कि कराची में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वो यकीनन वो लहर जो है वो लाहौर की तरफ भी आएगी, तो वो जब लाहौर में आएगी उसके लिए टेंशन एक ही पड़ी हुई है लाहौरियों को, स्पेशली मेरे जैसों को, कि मौसम चेंज हो चुका है लेकिन शॉपिंग नहीं हो सकी है, तो उसके लिए हाँ जरूर टेंशन है, बड़ा गम है। वही तो अभी हम फैशन शो की बात कर रहे थे कि फैशन शो कोई ऑर्गेनाइज हो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो फिर हम देखेंगे अब विंटर कलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में क्या है, कौन सा कलर इन है। हुमा भट्ट ये बताइए मजीद क्या हाल अहवाल है, मजीद ये बताएं कोई इवेंट्स है, कुछ और एक्टिविटी है लाहौर में? जी बिल्कुल, क्योंकि कल से जब से ये एक तो रिपोर्ट पेश की गई है तब से ही थोड़ी सी सियासी सरगर्मियाँ और सियासी हलचल भी दिखाई दे रही है, और स्क्रीन पर जो खबरें हैं वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त रिपोर्ट से रिलेटेड। तो सानिया मॉडर्न प्लान रिपोर्ट से रिलेटेड एक अहम जो इवेंट होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो रहनुमा हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, वो शहदा की फैमिली के साथ आज जाएंगे सीएम सेक्रेटेरिएट और वहाँ से जो रिपोर्ट है वो उसकी अटेस्टेड कॉपीज लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और वो देखते हैं आज वहाँ पर क्या क्या कुछ होता है। और इसके बाद एक इवेंट है स्पेशली अहम चीज़ जो है वो लंदन मेयर जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं लाहौर में, और उसके लिए हम लोग देख रहे हैं पूरा लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। अपडेट करी थी लंदन मेयर भी इस वक्त लाहौर में मौजूद है, इंडिया में मौजूद थे जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन के अंदर हमने देखा अमिताभ भी थे, शाहरुख खान भी थे, फिर उसके अलावा कैटरीना कैफ थी, रणबीर कपूर थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। लेकिन लंदन मेयर का मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्तकबाल किया जाएगा, वैसे भी पाकिस्तान के लोग जो है बड़े खुले दिल के वो यहीं से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली, और वो अपने मुल्क में आए हैं, और यहाँ ये बात बिल्कुल कहना काबिल जिक्र है कि जहाँ हम अपने ही लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहीं एक पाकिस्तानी आप देखें, वहीं पर सादिक खान को आप देखें कितनी ज़बरदस्त उनकी गवर्नेंस है, कितना ज़बरदस्त वो इंग्लैंड में सर्व कर रहे हैं कि वो लंदन के मेयर हैं। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज। वेल
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब आज बहुत से इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा इशू जिसका ताल्लुक बराहे रास्त आप लोगों से है वो है हमारा डेबिट कार्ड इशू। जिस हवाले से इतलाएं आ रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के लोग हों चाहे वो कराची के लोग हों, ये तमाम लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं क्योंकि पैसे कहाँ जा रहे हैं, ATM से ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन पैसे किसके पास जा रहे हैं, इस हवाले से आवाम जो है वो बिल्कुल लायल में है। सब पर बात करेंगे और बहुत से इदारे इशू में शामिल करेंगे, कॉलम्स में क्या कुछ लिखा है। हमारे साथ नफीस नईम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। सर्दी एंजॉय कर रहे हैं आप? देख रही ना, बिल्कुल बिल्कुल आवाज भी नहीं निकल रही है। ये क्या चल रहा है नफीस भाई? कल भी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि एक कोई शख्स थे, कोई आंटी थी, अंकल थे, वो ये कह रहे थे जी कि हमें तो सिर्फ मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे निकल गए, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस तरह के प्रॉब्लम्स। वो कुछ मसला है ना कि कहते हैं ना पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जी जी, तो चीनियों ने अपना थोड़ा रंग जखाना शुरू कर दिया है क्योंकि ये दोनों वाकया जो डेबिट कार्ड के जो डेटा चोरी होने का है उसमें वो मुलबिस हुए हैं। FBI ने जो इंक्वायरी की है और इसमें 600 तो HBL के कार्ड्स हैं जिनका डेटा चोरी किया गया है। 3 इस्लामाबाद की ATM को इस्तेमाल किया गया है, 1 कराची की, और यही सिर्फ एक नहीं पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को इस वक्त इस बुरान का ये शिकार है, इस वक्त इस मसले का से दो चार है और कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इसकी सद्देबाब किया जाए क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो या डेबिट कार्ड जो है वो बड़ा महफूज समझा जाता है कि रकम जो है आप जेब में ना रखें, आपके पास ज़रूरत नहीं है, आपके पास कार्ड है। लेकिन जब यही चीज़ जो है, पहले तो ये देखते थे कि हम कहते थे ATM पर डाके पड़ रहे हैं या गन पॉइंट पर पैसे छीन लिए गए, अब एक और मसला सबसे बड़ा ये आ गया है कि उसका डेटा चोरी हो रहा है। स्किमिंग कहलाती है ये, और जो स्किमर्स होते हैं ये जो इन्होंने हैकर्स जो हैं इन्होंने क्या किया कि डिवाइस रखी है खास टेक्नोलॉजी यानी कि रीडर, कार्ड रीडर होता है, वो ATM मशीन पे इस तरह जस्पा कर देते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई नया रीडर इस पे लगा दिया गया दूसरा, और साथ में पैड भी चेंज कर दिया जाता है। अब आपने अपना कार्ड उसमें डाला, रीडर ने वो स्कैन करा और चाइना में बैठे किसी शख्स के पास वो डेटा आपका कॉपी हो गया, और इसके साथ ही आपने जब पैड पर अपना की कोड टाइप किया वो कोड भी उनको सिंक्रोनस हो गया था कि इस वक्त की कोड टाइप हुआ, इस वक्त की डेटा कार्ड का आया है, वहीं से उस डेटा की बुनियाद पर एक जाली कार्ड तैयार होता है और आपका कार्ड जो है वो पाकिस्तान में जो बना हुआ था वो चीन में इस्तेमाल हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता कि आपके पैसे कहाँ चले गए। भाई देख लें टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है, चीन के हमारे पैसे यहाँ से वहाँ किस तरह पहुँच रहे हैं, आवाम बड़ी लाइव। अच्छा, जो बातें आपने बड़ी क्लियर कर दी है स्किमिंग के हवाले से, ये बड़ा जरूरी था लोगों का जानना भी। नफीस साहब ये जरूर जानना चाहूंगी कि इदारियों में क्या इसका कोई सोल्यूशन दिया है, क्योंकि FBI की जो टीम है उनका ये कहना है कि हम खुद तो इस केस के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तक कुछ हो नहीं पाया। देखिए अनम, इदारियों में तो ये इसका दिया है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी हैं, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान ने फिंगरप्रिंट्स मुतारिफ कराया जा रहा है कि ATM में अब आप फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ही जो है वो अपना ट्रांजैक्शन करवा सकेंगे। ग्रीन लाइट छोटी सी लगी होती है, उसमें ये है कि कोई चोरी का जो है वो ये खत्म हो जाएगा ये मसला। दूसरा ये कि अभी तक जो फिलहाल अगर आप अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब आप पिन कोड टाइप करें अपना तो हाथ रख लें कि जो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं वो उसमें आपकी हाथ की जुम्बिश से ना हो। ज़्यादा महफूज तरीका ये कि 4 डिजिट्स होते हैं, आपने उंगली पैड्स पर रखी, हाथ ऊपर रखा और प्रेस कर। और एक और बात भी कि जो लोग चेक के जरिए पैसे निकलवाते हैं बिल्कुल भी आप उनका मजाक ना उड़ाएं क्योंकि कम से कम वो सेफ तो है, वरना यूजुअली ये होता है आप चेक से पैसे, अभी भी आप चेक से पैसे निकलवाते नहीं जी, ATM रखना चाहिए। और एक और चीज कि उसी जो मशीन है ATM उसमें एक ग्रीन कलर की जो है वो लाइट ब्लिंक होती है, तो आप उससे बिल्कुल बेवेयर रहें कि अगर आप ATM जाते हैं और आपको लगता है कि कोई अनयूजुअल सी वहाँ पर चीज़ है मशीन के साथ में, कोई भी ब्लिंकिंग है, तो फिर आप अपना कार्ड उसके अंदर इंसर्ट मत करें क्योंकि उससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस तरह का चिप या इस तरह का डेटा उसके अंदर रखा होता है कि वो आपकी सारी मालूमात जो है वो फराहम करके वहाँ पहुँचा देता है जहाँ का नफीस भाई जिक्र कर रहे थे। अगला एडिटोरियल क्या है? एक बहुत अभी आपने इस पर बीपर्स भी लिए हैं हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतबाह, पानी का मसला। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की जो है जलसे जुलूस हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, आवाम की फलाह बहबूद के जो है ना नारे बुलंद हो रहे हैं और कलाबाजियाँ खाई जा रही हैं कि हम सबसे बड़े आवाम के रहबर हैं हम। और लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि आपके पास पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, डिसेंट टॉयलेट्स आपके पास मैसर नहीं है। पानी का के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और ये एक दरख्वास्त दायर की, उसमें ये कहा गया कि 91% कराची में जो हम शहरी हैं उनको साफ पानी मैसर नहीं है। इसका मतलब है कि स्टूडियो में हम 3 बैठे हुए हैं तो शायद हो सकता है कि हम तीनों के घर ऐसा पानी फिल्टर होके ना आ रहा हो या 2 के पास ना आ रहा हो, एक खुशकिस्मत ऐसा हो। तो ये
और हमने इसमें पहले एक 78.1% जो है पोटेबल वाटर नहीं दस्तियाब होता और पानी में अनसेफ सैंपल जो लिए थे, आपको याद होगा कमीशन की रिपोर्ट थी जिसकी बेस पर अदालत ने कहा कि अभी जो वजीर आला को तलब किया गया है वो उसी की वजह है कि आपने क्या किया। आप देख रहे हैं कराची में नहीं, लाड़काना जहाँ पीपल्स पार्टी के जो गढ़ है वहाँ 88% जो है शहरियों को वो है अनसेफ वाटर जो है वो मिलता है। नफीस साहब, ये उस पानी की बात कर रहे हैं जो हमारे नल में आता है या फिर ये जो हम लोग फिल्टर्ड वाटर मंगवाते हैं बॉटल्स में, इस पानी में भी कोई शिकायत आ रही है? देखें पानी चाहे एक हमें एक जिसे कहते हैं ना निकडेरिया जिससे जन्म ले रहा है पानी, जितना भी हमने लास्ट जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें कुओं के पानी के सैंपल किया गया था, तो चाहे वो नहर का पानी हो, झील का पानी हो, कुएं का हो, दरियाओं का पानी हो, इसके हवाले से कहा जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो है फिल्टर प्लांट, कराची के चारों फिल्टर प्लांट बंद हो चुके हैं, ठीक है। सिंध में जितने फिल्टर प्लांट्स हैं वो ज्यादातर तादाद बंद हो चुकी है, अरबों खरबों रुपये खर्च हो चुके हैं। आपने बड़े बड़े दावे किए लेकिन आवाम को साफ पानी मैसर नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बड़े ये साहिब हैं कि आप देखें मेरे बच्चों का इसका मसला है, आप पानी टैंकर हमारा पानी जो हमारे हिस्से का पानी है, मैं आपको ऐसे कई इलाके बताऊंगा जहां पानी सिरे से आता ही नहीं, लोग जो है टैंकर मजबूर होते हैं, मिन्नतें करते हैं कि यार हजार दुगनी कीमत पे पैसे ले लो, पानी दे दो हमें। तो ये हमारे पानी का पैसा, हमारे पैसा हमें डबल पानी दे के आलूदा पानी हमें दिया जाता है, टैंकर माफिया। तो चीफ जस्टिस ने ये भी सवाल किया है कि वो कौन सा माफिया है, पैसा किसकी जेब में जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इदारे काम क्यों नहीं कर रहे, आपने तो एक तमाशा लगाया हुआ है ये। तो ये कहते हैं ना शर्म तुमको मगर नहीं आती, मुतरादिफ जो इदारों जो है वो एक दूसरे पर मलबा डाल रहे हैं, जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी कबूल करने को जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा। कराची का वोट बैंक सब मांग रहे हैं लेकिन कोई इसको ओन करके काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर फारूक सत्तार की सब की बात की जाए, एमक्यूएम के हवाले से बात की जाए, पाक से जमीन पार्टी के हवाले से बात की जाए या फिर वजीर आला सिंध के हवाले से बात की जाए, मेयर कराची कहते हैं हमें तो इख्तियारात ही नहीं मिलते तो हम तमाम काम कैसे करें। और जहां तक पानी की बात है, इनकी हालीजी झील सूख गई, इनका K4 का मंसूबा पेंडिंग है। अगर इनकी दूसरे आप तामीराती काम देखें, पंपिंग स्टेशन देखें तो उनकी सर्विस बिल्कुल फारिग। अगर आप टैंकर माफिया को ले लें तो वो आवाम को तंग करते हैं। वाटर बोर्ड की जानिब से सिर्फ 1100 टैंकर फराहम किए जाते हैं, वो भी उन लोगों को जहाँ पे बहुत ही कोई जरूरत पड़ गई हो, जहाँ पे बिल्कुल ही खबर आए कि जी यहाँ तो लोग मर रहे हैं पानी की कमी से, वहाँ वो टैंकर भेज देते हैं। और हाल तो ये है। एक अहम चीज मैं बताऊं कि यही पानी की वजह से 19,500 बच्चे सालाना मर जाते हैं पाकिस्तान में, और नेगलेरिया ऐसी बीमारी है जो कि आपको पता है कि तो कि नाक के जरिए आती है और ये कई ममालिक और इसका इलाज नहीं है। आज भी कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स ले लें लेकिन इसका इलाज नहीं है। इसकी जब तशखीस होती है तो 7 दिन के अंदर ये वायरस जो है दिमाग में जाके उसका शिकायतें करते हैं कि हम शायद बाहर का खाना खा रहे हैं, हमें डायरिया हो गया। मुझे तो लगता है जो सारा प्रॉब्लम है वो हमारे पानी की वजह से हो रहा है। अभी पिछले टाइम हमारे पास आए हुए थे वाटर बोर्ड के भी अहदेदार आए हुए थे और वो लोग भी ये कह रहे थे कि जी हम लोग अपनी तरफ से साफ पानी ही सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ फिल्टर्ड ही होता है, लेकिन लोग जो बीच में से पाइप तोड़ देते हैं इस वजह से वो पानी आलूदा हो जाता है। तो लोगों का भी अपना कुछ इस तरह के किरदार है जिसकी वजह से हमें ये शायद आप हम जिम्मेदार हैं अनम। ये हम जो हजारों लाखों टन जो कचरा डेली हम फेंकते हैं समंदर के अंदर, पानी आलूदा पानी ट्रिलियन ऑफ गैलन्स जो है पानी जा रहा होता है इसका आलू। अभी एक मैरीटाइम की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कहते हैं 40% जो है समुद्री हयात तबाह हो गई है, समुद्री अभी हयात तबाह हो रही है। और नफीस भाई हमारे पास सिर्फ आलूदा पानी का मसला नहीं है, पानी के हमारे पूरे मुल्क में ना 3 मसले हैं। एक तो पानी आता नहीं है, दूसरा जो आता है वो आलूदा पानी है, तीसरा जो पानी आता है उसके अंदर तमाम प्रोटीन्स और तमाम इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते। अगर आप साफ पानी दे भी देते हैं आवाम के ऊपर, एहसान कर देते हैं कि जी साफ पानी दे दो आज इस आवाम को, तो उसके अंदर जो उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशंस जितनी भी उसके अंदर होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, वो नहीं होते। केमिकल इम्बेलेंस होता है उसके अंदर, फिर आप अगर देखें तो क्लोरीन की इंटेक ज्यादा होती है। और ये आपकी बात सही है, देखिए इस नेगलेरिया को रोकने के लिए आपको क्या 1 लीटर पानी में आपके 5 mg जो है वो क्लोरीन चाहिए, क्लोरीन और आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने पूरी कौम को पूरे आवाम की जिंदगी को जो है दांव पे लगा दिया है। मेरे ख्याल है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता आवाम को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब आप चाहे फिल्टर्ड पानी भी यूज करें लेकिन उसको उबाल लें, और उबाले बगैर जो मेरा ख्याल है उस पानी अभी लगता है जो आज पेशी हो रही है दोनों की, आज जो हाईकोर्ट जा रहे हैं, मुस्तफा कमाल भी कोई आइडिया दे देंगे क्योंकि मेयर रह चुके हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइनेंशियल काम भी कर चुके हैं यहाँ पर, इतने फ्लाईओवर कानूनी अलॉटमेंट बुलाया गया है, वो क्या उनको परफॉर्मेंस देनी थी वो दे चुके हैं वजीर आला। अब देखें अदालत का ये बहुत अच्छा फैसला है कि अब अफसरान के बजाय जो है अहदेदारान को जो आला ओहदों पर फाइज है उनको बुला रहे हैं, अच्छी बात है, पकड़ रहे हैं, उसको नोटिस लिया जा रहा है इन चीजों का। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, वो इस पानी की मुश्किलात से बहुत दो चार है। नफीस नईम साहब हमारे साथ थे और ओवरऑल
ओवरऑल जो दो अहम कॉलम्स है उस हवाले से हमने बात की। इन कराची की कुछ पावर्स के हवाले से भी हम पार्ट्स के हवाले से भी बात करना चाहेंगे और वो उस हवाले से हमारे पास एक पैकेज है। हमारी अपनी ही मेंबर शाजिया जो है वहाँ पर गई है कराची में। आजकल हम देख रहे हैं नफीसा बड़े पार्क्स भी बनना शुरू हो गए, इफ्तिताह हो रहे हैं और इफ्तिताहों पे भी लड़ाई हो रही है कि नहीं हमने इफ्तिताह करने किसी और का। चलिए जी शाजिया से जो है वो हम इसकी मजीद तफसीलात ले लेते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सेंट्रल एरिया में कायम जहांगीर पार्क में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पार्क तामीर किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर्स के मुजस्मे भी नजर आ रहे हैं, जो कि 17 किस्म के डायनासोर्स के मुजस्मे यहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड लाइब्रेरी भी कायम की गई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदे और मोरों की कुछ किस्में हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं शाम के औकात में, लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं तफरी करते हैं। इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क की तजियों और आयश का काम किया है जो कि आवाम की तफरी के लिए है। इस पार्क का इफ्तिताह 14 अगस्त को करना था वजीर आला सिंध को, लेकिन वो अपनी मसरूफियात के बायस अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं कर सके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो आसपास के इलाकों के रिहायशी हैं वो शाम के औकात में आकर यहाँ पर बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ तफरी करते हैं। ये तो थी पार्क की सूरत हाल जिस पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब देखते हैं वो प्रोजेक्ट जिस पर 1 अरब से जायद की लागत से जिसको तामीर किया गया है। जी अभी हमने आपको दिखाया जहांगीर पार्क जिसमें के 20 करोड़ रुपए की लागत से उसकी तजी और ऐश का काम किया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी रोड का हाल जिसको के 1 अरब से जायद अखराजात करके इस रोड की तामीर की गई है और यहाँ पर जो है तरक्याती काम किए गए हैं। लेकिन अभी कुछ अरसा ही हुआ है इस रोड की तामीर को और यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ जगह से ये रोड टूट फूट का शिकार है। ये सफारी पार्क के सामने का इलाका है। 2 से 3 मकाम हमें इस रोड पर ऐसे नज़र आए हैं जहाँ पर के बड़े बड़े गढ़े पड़ चुके हैं और वहाँ पर पानी जमा होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस रोड के बारे में कहा गया था कि 1 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड पर तरक्याती काम किए गए हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर जो काम है वो नज़र नहीं आता क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब कराची का मौसम चेंज होगा या यहाँ पे बारिशें होती हैं तो कराची का सीवरेज का सिस्टम और निकासी आपका सिस्टम इस तरह का है कि जगह जगह पानी खड़ा होता है और पानी खड़ा होने की वजह से बहुत सी सड़कें हैं टूट फूट का शिकार होती हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस रोड की सूरत हाल क्या होगी। टीम एंड शाजिया अरशद यू मेक अ गुड रिपोर्ट एंड हाईलाइट अ गुड इशू। ये पार्क्स का इशू, ये सड़कों का इशू इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू है स्पेशली कराची में क्योंकि कराची के लोगों के लिए जो है वो पार्क्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं पार्क्स के हवाले से बात की जाए तो या तो पार्क्स बनाते नहीं हैं, वो कचरे का ढेर रहते हैं, बन जाते हैं तो उसका इफ्तिताह नहीं होता, फिर उसकी देखभाल नहीं की जाती और उसके बाद दोबारा से उनके लिए बजट लिए जाते हैं, फंड्स मुख्तस किए जाते हैं और फिर उनकी रीबिल्डिंग की जाती है। और यही हाल हमारे रोड्स का भी होता है कि प्लान ए कर दिया जाता है लेकिन प्लान बी तश्कील नहीं दिया जाता कि अगर रेन एमरजेंसी हो जाए या दूसरी तीसरी और कुदरती आपात का सामना हो तो थोड़ा बहुत किस तरीके से बचा जा सकता है। तो ये हाल है इस सिंध की बैड गवर्नेंस का कि यहाँ पर इफ्तिताह भी किए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, फंड्स भी लिए जाते हैं लेकिन रोड्स जो की तो रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, 1 अरब के फंड से आपने पार्क बनाया लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है उसको हमें सराहना भी चाहिए। इस तरह के पार्क कराची में वैसे बड़े कम है और अगर आप इस पार्क को विजिट करें तो बहुत बड़े बड़े डायनासोर यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो इस तरह के पार्क डेफिनेटली कराची की मुख्तलिफ और जगह जो है वहाँ पर भी बनाने चाहिए लेकिन इसके साथ साथ जो रस्ते इन पार्क को जाते हैं उन रस्तों का भी ख्याल कीजिए। जैसे कि शाजिया बता रही थी कि जी सड़क पे है बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, लोग किस तरह से हैं, लोग बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए और बड़े तैयार शैयार होकर निकलते हैं लेकिन जब इस तरह रास्तों पे पानी हो तो पार्क जाने का भी कोई फायदा नहीं रहता। एनीवे जनाब यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, मजीद भी और स्टोरीज हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे पर यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक।
टू गुड मॉर्निंग। और जनाब अब उस खबर के बारे में बात करेंगे जो आज हमारे अखबारों की जीनत भी थी और कल की भी बड़ी खबर यही रही। हुकूमत पंजाब ने आखिरकार लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर मॉडल टाउन वाकई की रिपोर्ट आम कर दी है। जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत, पुलिस और राना सुनाउल्ला के किरदार पर उंगली तो उठाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल टाउन में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन शहबाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्ला ने किया, पर बात सिर्फ यही है कि 14 अफराद कत्ल हो गए, लेकिन पुलिस ने किसके कहने पर फायरिंग की इस बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हुआ। अब तक ये रिपोर्ट एक मुअम्मा ही बनी हुई है और दूसरी तरफ सबूत एक तरफा, नतीजा गैर मौसर। राना सनाउल्ला ने गैर मुसद्दका इत्तला'आत पर बनाई गई रिपोर्ट को नकायस का मजमुआ भी करार दे दिया है और साथ साथ उनका मजीद कहना है कि जो ये कमीशन रिपोर्ट है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसमें ना तो वजीर आला से पूछा गया और ना ही तसादुम के जिम्मेदार किसी एक शख्स की निशानदेही की गई। रिपोर्ट शाया ना करने का मकसद ये था कि इससे फिरका वारियत या इंतशार ना फैले। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता है। ये पेज 57 है, लाइन 6, इट वाज पेनफुली नोटिस्ड। अब इससे आगे मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दिस वाज द रीजन इस रिपोर्ट को जब आपने पब्लिक नहीं किया। देयर वाज डेंजर कि ये सेट इन हारमोनी को डैमेज करेगी। ये जो वन मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल है, इसकी रिपोर्ट किसी भी मुकदमे या इस मुकदमे में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये रिपोर्ट जो है वो टू असर्टेन द फैक्ट्स, ये फॉर इंफॉर्मेशन होती है। इसका उस केस की FIR, उस केस की इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रायल के ऊपर कतई कोई इम्पैक्ट नहीं होता। चलिए जनाब, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कल इस वाकये की रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आ गई है और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं, क्या वजह है कि इतनी ताखीर क्यों हो गई, 3.5 साल क्यों लग गए इस रिपोर्ट के सामने आने में, और आपको लगता है कि जो रिपोर्ट आई है वो पंजाब हुकूमत के मुखालिफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में जो जिम्मेदार करार दिया गया है वो चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्ला साहब को इसमें जिम्मेदार करार दिया गया है। सफ़ा 64 से सफ़ा 75 तक जो कंक्लूजन्स हैं उनमें बताया गया है कि किस तरह से इसको प्लान किया गया ऑपरेशन को और फिर इसको एग्जीक्यूट किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनकी जो है उन्होंने ये अप्रूवल दी इस ऑपरेशन की और राणा सनाउल्ला ये मीटिंग चेयर कर रहे थे। इस का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि अपने जो मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, उनको हैरस किया जा सके। सो ये तमाम ऑपरेशन जो किया गया था ये अपने सियासी मुखालफीन को हैरस करने के लिए किया गया था, जो कि बिल्कुल उल्टा पड़ गया और उसमें जो है वो अनफॉर्चुनेटली 9 जाने चली गई और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी ये जो रिपोर्ट है ये आयद करती है शहबाज शरीफ साहब पे, राणा सनाउल्ला पे और उसके बाद जो इनके जो है अफसरान है पसंदीदा। सो काफ़ी जो लोग जिन्होंने ये एग्जीक्यूट किया उनको फिर प्राइज पोस्टिंग्स दी गई ताकि वो अपने मुंह बंद रखें और ऑपरेशन सारा शहबाज शरीफ साहब की एमा के ऊपर राणा सनाउल्ला ने प्लान किया। अच्छा बिल्कुल चौधरी फवाद चौधरी साहब, ये क्या है, नून लीग का इशू क्या है कि हर चीज़ को इतना मिस्टीरियस बना देते हैं, हर चीज़ डिले कर देते हैं? अब इस रिपोर्ट के बारे में बात कर लें, राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि इंतजार फैलेगा, फिरका वारियत की जंग होगी, क्या किसी ताकतवर को छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? मतलब इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट है और उसके बाद इतनी देर लगा दी इसके लिए? देखें, इसमें जो हाईकोर्ट का जो फुल बेंच है उसने भी पंजाब हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी क्रिटिसिज्म किया है जिस तरीके की उन्होंने रिट पिटीशन ड्राफ्ट की है। उसमें उन्होंने जो जज साहब हैं बाकर नजफी साहब और फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन दोनों को फिरका की बुनियाद के ऊपर जो है वो किया, चैलेंज किया, जो बड़ा अनहर्ड ऑफ है। कभी होता ही नहीं है कि इस तरह हुकूमत जो है वो किसी जज को उसकी सेक्ट की बुनियाद के ऊपर चैलेंज करे और उसके ऊपर गुफ्तगू करे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट पंजाब हुकूमत ने किया और पंजाब हुकूमत के वकील ने किया। फुल बेंच को असूली तौर के ऊपर तो वकील साहब जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया था और एडवोकेट जनरल ऑफिस, उनका लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनका लिहाज किया। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट है जो पंजाब हुकूमत ने कायम किया। अच्छा फवाद, जरूर जानना चाहूंगी कि ताहिरुल कादरी ने जैसे ही रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा है कि इसमें बड़े रद्दोबदल किए गए, रिपोर्ट वो नहीं है जो हम चाह रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत अब सख्त रद्द अमल के लिए तैयार हो जाए, ताहिरुल कादरी की जानिब से बड़ी वार्निंग दी गई है। तो क्या तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में पीटीए के साथ खड़ी, मतलब पीएटी के साथ खड़ी होगी, कोई साथ देगी उनका इस सब में?
देखिए पहली बात तो यह है कि शरीफ फैमिली की तरफ से जाली डॉक्यूमेंट्स देना एक रवायत रही है और हमने ये देखा है कि किस तरह से इवन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बड़े धड़ल्ले से जाली कागजात जमा करवाए। इसी बुनियाद के ऊपर तारिक कादरी साहब ने शक का इजहार किया है कि इस रिपोर्ट में शायद कुछ तब्दीलियां की गई हैं। ये उनका जो शक है उसको दूर करना ज़रूरी है और मेरा ये ख्याल है कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश के लिए जब जज साहब ने तैयार कर ली थी तो उन्होंने इसकी 3 या 4 कॉपीज बनाई थी और वो कॉपीज मुख्तलिफ जगहों पे दी गई थी, उनमें से एक कॉपी हाईकोर्ट में भी रखी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी तहकीक होगी और असल अगर इस रिपोर्ट में गड़बड़ है तो असल रिपोर्ट भी सामने आएगी। अच्छा वैसे तो सर जो सवाल अभी मैं पूछ रही हूँ ये अंडरस्टूड है कि ऐसा ही है, लेकिन हम फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ खड़ी होगी। देखिए जो ये बेगुनाहों का खून है ये तो तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि इसका रिवेंज लिया जाए, इसका बदला लिया जाए, इसको सेटल किया जाए। सो इसके लिए अवामी तहरीक का रुकन होना जरूरी नहीं है। अच्छा। और अवामी तहरीक के सिलसिले में जो भी अपना मंसूबा बनाएगी, जो भी इसमें वो अपना तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें उनके साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला उनके जो भी एहतजाज का वो तरीकाकार तय करते हैं, पीटीआई इसमें अवामी तहरीक के साथ है और हम भी समझते हैं कि मॉडल टाउन के शहदा के साथ इंसाफ होना अजहद जरूरी है। अच्छा फवाद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा था इस रिपोर्ट को कि जी जब ये सामने आएगी तो फैसला हो जाए कौन जो है वो जिम्मेदार था इस सारे बाकी का, लेकिन जैसे रिपोर्ट आई है उसके अंदर इशारे तो दिए गए हैं पर ओवरऑल चीजें वाजे नहीं हो सकी हैं। क्या समझते हैं आप कि ये कोई बीच का रास्ता निकाला गया है कि किसी को भी जिम्मेदार हमने नहीं ठहराना? देखिए ये इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत रिपोर्ट है, इसकी जो फैक्चुअल फाइंडिंग है वो बाइंडिंग नहीं है कोर्ट के ऊपर। अच्छा। अलबत्ता इसकी एक सर्कमस्टांशियल अहमियत है और अदालत अपने बाकी तमाम सबूतों के साथ मिला के इस रिपोर्ट को भी सामने पड़ेगी और इस रिपोर्ट को भी वो आगे बढ़ाएगी। अब देखना यह है कि जब ट्रायल कोर्ट में ये मामला चूंकि इस वक्त चल रहा है, अदालत में इसका ट्रायल चल रहा है, देखते हैं कि इसको अदालत कैसे आगे बढ़ाती है। ठीक है। अच्छा सर अब कुछ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जावेद हाशमी के हवाले से, वापस आ चुके हैं वो, निहाल हाशमी की भी वापसी के लिए कुछ राहें हमवार होती दिखाई दे रही हैं। मियां साहब पॉलिटिकली जो है वो काफ़ी मुतारिक हो रहे हैं फिर से, लेकिन नून लीग के जो पुराने साथी हैं इनकी वापसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को नून लीग मजबूत होती दिखाई दे रही है? पीटीआई की जानिब से तो यही कहा जाता है कि जी नून लीग तो ख़त्म हो रही है लेकिन वहाँ पर तो प्लस होने का सिलसिला जारी है। देखिए पहली बात तो ये है कि जावेद हाशमी साहब तो 1.5 साल से मुस्लिम लीग नून में ही हैं, जब से उन्होंने 2014 के बाद जब उन्होंने धरने में जो है वो पीटीआई को छोड़ा तो उसके बाद तो वो पीएमएलएन के ही मकासद फॉलो कर रहे थे और शायद अब तो ये भी बात हो रही है कि वो पीटीआई में जब शामिल हुए थे तो वो भी नून लीग की मर्जी से ही शायद जो है वो शामिल हुए थे। सो उनकी कोई आमद से कोई रिपल्स तो क्रिएट नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि जावेद हाशमी की कोई सियासी अहमियत नहीं है, वो अच्छा। तो इलेक्शन पहले भी जीते हैं तो लाहौर या इस्लामाबाद से पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर जीते हैं, उनकी अपनी तो कोई सियासी हैसियत और अहमियत नहीं है। फिर वो 1979 में जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में वजीर रह चुके हैं, अब 40 साल के बाद भी वो अगर वापस आएंगे और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो फिर जाहिर है उसमें क्या उनको कहा जाए, उनको अपने घर पर आराम करना चाहिए था, पाकिस्तान की पाकिस्तान में रिटायरमेंट भी होनी चाहिए। अब उनकी ना सेहत है ना उम्र है लेकिन पता नहीं वो क्यों दोबारा आ रहे हैं। और जहाँ तक निहाल हाशमी का ताल्लुक है, इनको तो खैर पूरी शह थी शुरू से ही मरियम नवाज शेर साहिबा की और वो तो ड्रामा था सारा। अच्छा। उनको निकालने का या कुछ करने का, वो पीएमएलएन में ही थे, पीएमएलएन में है और वही जो नैरेटिव जो उन्होंने उस वक्त दिया था कि हम मिसाल बना देंगे जेआईटी के लोगों को अगर हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, अब वही नैरेटिव पूरे पीएमएलएन का नैरेटिव है, नवाज शरीफ का नैरेटिव है, मरियम नवाज शरीफ का नैरेटिव है, उसमें तो कोई वो तो एग्जैक्टली उनकी एमा के ऊपर ही सब कुछ कर रहे थे। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहे, इस वक्त अपने नाज़रीन को हम ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो कल यौम तासीस मनाया है उसमें कुछ बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, बड़े ही दबंग किस्म के अंदाज में कुछ बयानात सामने आए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भी और आसिफ ज़रदारी के भी। उनका कहना था कि कल के जलसे से जो है वो हमें काफ़ी कुछ वाजे हो चुका है कि पंजाब में हमारी पोजिशन क्या होगी, और मज़ीद उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। हमने 2 दफ़ा इनकी जमहूरियत बचाई है, एक दफ़ा जब ये जाली मैंडेट लेके आए
दूसरी दफा जब इनको जाली खान ने चैलेंज किया था। अब हम इनकी जमहूरियत नहीं बनाएंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। तो हो सकता है कि उससे पहले ये आज हार मान ले। हमारी कोशिश ये होगी कि ये उनसे पहले ही हार माने और ये पहले ही पावर छोड़ें। मियां साहब ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है, उस गॉडफादर ने, कि जाली खान को बात समझ नहीं आ रही। जब भी इस मुल्क में आमरियत मुसलत की गई, जब जब अवाम के हकूक सलब किए गए, तब तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलम बगावत बुलंद किया। नवाज शरीफ ने भी अमीर और मोमिनीन बनने के लिए आईन में तरमीम करने की कोशिश की। सर, आपने सुना कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने और जरदारी साहब ने कल जलसे में खिताब किया है, बात की है, जिस तरह से पीटीआई जो है करप्शन के ऊपर निशाना बनाती है नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, वहीं पीपल्स पार्टी भी कल खुलकर बोली है और नवाज शरीफ को भी खुलकर तनकीद का निशाना बनाया और पीटीआई को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल्स पार्टी सियासी पार्शों में कितनी आपको कामयाब दिखाई देती है और कैसा लगता है आपको कि इस दफा ये जो अवाम का इनका परसेप्शन है कि जलसे करके हम अवाम निकालेंगे जबकि नून लीग कहती है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कितनी कामयाब रही पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने योम तासीस का जलसा किया, योम तासीस के ऊपर पीपल्स पार्टी को बड़ी मुबारकबाद हो। जलसा जहां तक उन्होंने किया है, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो यही खर्चा जो है वो बचाते और कोई अच्छे काम में लगाते तो बेहतर था। इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद उन्होंने अगर ये शो जो है वो किया है, और मैं ये समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की खसूसन सिंध में, वो सबके सामने है और सिर्फ एक जलसे से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बदल नहीं जाएगी। और जलसे में भी वो अगर आके कह रहे हैं कि हम पुलिस इस्लाहात करेंगे, हम तालीमी निज़ाम में इस्लाहात करेंगे, तो उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि तकरीबन 9.5 साल से सिंध के ऊपर और इससे पहले पाकिस्तान के ऊपर भी आप ही की हकूमत थी, और जो इस्लाहात का वादा कर रहे हैं वो आप अपने दौरे हुकूमत में अगर नहीं ला रहे तो फिर किसके दौरे हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक सर। वैसे ये बात बड़ी अनफेयर थी क्योंकि आप लोग भी जलसे जरूरी आवाम को गैदर करते हैं, अपने वोट बैंक को उसी के थ्रू टटोलते हैं। एनीवे, बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करें तो बिलावल भुट्टो की सियासत, पीपल्स पार्टी की तेजी से हिकमत अमली, इस सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, शक्लें देखने का दौर तो गुजर गया है, अब तो अमल देखने का दौर है। अगर पीपल्स पार्टी रिवाइव होना चाहती है, अगर पीपल्स पार्टी की सियासत में वापसी होती है, जो खुशाइन होगा, पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है और उसको एक सियासत में आना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसीज के नतीजे में एक कौमी जमात सिंध की इंटीरियर पार्टी की, सिंध अंदरूने सिंध की एक जमात बनकर रह गई, जो काबिल अफसोस है। अगर ये हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं और एक मुल्की सियासी जमात बनने की तरफ आते हैं तो ये खुशाइंद होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ पर सिंध में जो है वो हर SHO, थानेदार, पटवारी, डिप्टी कमिश्नर वो पैसे ले रहे हों, पैसे ले के लगे हुए हों, ऊपर तक लोगों के भत्ते जा रहे हों, डेवलपमेंट का कोई काम हो ना रहा हो, और आप समझे कि बाकी तमाम सूबे जो हैं वहाँ पे अंधे रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि वहाँ पे हुकूमत कैसी है। सिंध में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, उसके बाद वफाक और बाकी सूबे आएंगे। तो अगर वो वफाक की सियासत जो भी करेगा, हम उसको वेलकम करें। ठीक है, पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी कॉमन इस दफा मुझे इनकी जो है वो डिस्कशन लगी है, उसमें ये चीज़ है कि पीटीआई कहती है जी पीपल्स पार्टी सिंध को बेहतर करे और जो पीटीआई है वो कहती है जी दूसरी जमातें जो है वो दीगर चीज़ों को बेहतर करें। तो सब एक दूसरे को एक ही तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं और देखना यह है कि डिस्कशन से इनमें से किसका वोट बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, कौन 2018 में मैदान मारने जा रहा है। गुड मॉर्निंग आज में, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब कुछ बात करेंगे हम वापस आकर सियासत से निकलकर म्यूजिक की, और म्यूजिक की बात करेंगे, म्यूजिक के रिवाइवल की बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नवर स्टार्स मिकाल हसन, अलीशा रियाज और अमरीन थॉमसन, और ये लोग आईएम कराची के साथ मिलकर बच्चों को म्यूजिक भी सिखाते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नए टैलेंट को भी ये सामने लेकर आ रहे हैं। आइए इन तीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, गुड टू सी यू हियर। कैसे आप लोग? गुड, थैंक यू। अच्छा अमरीन, आपसे ही बात की का आगाज करना चाहूंगी। एक बड़ा जबरदस्त सा फेस्टिवल आप लोग अरेंज करा रहे हैं कराची के अंदर, 6 सीट का ये प्रोग्राम है और एक म्यूजिकल फेस्टिवल है। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के हवाले से हमें बताइए कि क्या क्या होगा इसमें, कुछ कॉन्सर्ट्स भी होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हमें पता है कि जो लोग प्रोफेशनली सिंगिंग करना चाहते हैं वो लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ सीख सकते हैं। जी, इसका ये जो है ये एक सिलसिला है म्यूजिक मेंटरशिप जो फ्यूजन बैंड के ने हमारे साथ उसमें कोऑर्डिनेट किया। 18 यंग लोग जो थे वो तैयार हुए और उनको अब लाया जाएगा सामने। 6 हफ्ते का ये फेस्टिवल, ये शुरू हुआ 9-10 तारीख को लोक मेला से। फॉर द फर्स्ट टाइम लोक विरसा केम टू कराची। 200 आर्टिस्ट आर्टिजन्स गिलगित, बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, कलाश वैली से तक ख़वातीन आई, उन्होंने परफॉर्म किया। कराची झूम उठा। हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर एक गज़ल नाइट हुई, मुशायरा हुआ, कव्वाली हुई पाकिस्तान चौक पे, और अब जो है 9-10 दिसंबर को पोर्ट ग्रैंड पे एक मेगा फेस्टिवल है। 40 से ज़्यादा बैंड्स उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मिकाल हसन, अलीशा डियाज, फ्यूजन, पाकिस्तान के तमाम बड़े और छोटे नाम जो हैं वो उस पे आप तो नजर आएंगे। अच्छा, क्योंकि ओवरऑल कोशिशें तो पाकिस्तानियों की जानिब से जारी हैं कि जी म्यूजिक का रिवाइवल किया जाए, बेहतरीन म्यूजिक उसके लिए प्लेटफॉर्म फराम किया जाए, जो नए आने वाले लोग हैं उनको इस तरह का कोई स्टेज मिले कि वो आके गा सकें और अपने आप को मनवा सकें। रिवाइवल के लिए आप लोग और मजीद क्या कोशिशें कर रहे हैं, किस तरीके से आपके प्लान हैं कि जी कराची में भी जो है वो इस तरीके से रिवाइवल हो? एक तो हमने इस पर एक बड़ी ब्रीन ने मेंशन नहीं किया, लेकिन एक थर्ड स्टेज हमने सेटअप किया है फॉर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। अच्छा। उस स्टेज पे हम 10-10 मिनट का ऑडिशन टाइम लोगों बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा। और उधर ही अगर किसी को उनकी आवाज़ अच्छी लगती है या उनकी प्लेइंग अच्छी लगती है तो वो उसी ऑन द स्पॉट उनको अपने बैंड में दावत भी दे सकते हैं, अगर वो बैंड बनाना चाहें, अगर वो हायर करना चाहें उनको किसी इवेंट के लिए वो भी एट द मोमेंट अगर उनको। हाँ जी, वो जैम्ब्रो वालों के साथ हम लोगों ने टीम अप किया है जिन्होंने एक ऐप बनाई है। अच्छा। उस ऐप के जरिए म्यूजिशियंस कहीं भी कराची में या पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, वो ऑडिशन लाइव कर सकते हैं। सिंपल रिकॉर्ड किया कि यार मैं ये गाता हूँ, ये मेरी रेंज है, सुन लो, अच्छा लगता तो मुझे बुला लो। अच्छा, मतलब अगर वो नहीं भी पहुँच पा रहे तब भी आप उसको कर सकते हैं। और वो स्टेज पे वो इंटरेक्टिव स्टेज है, उधर 10-10 मिनट के हम स्लॉट्स दे रहे हैं बच्चों को और एक्सपीरियंस लोगों को भी। फिर उधर ये जो आर्टिस्ट मेन स्टेजेस से फारिग हो जाते हैं, फिर बजा बैठते हैं, उनको हम दावत दे रहे हैं कि उधर आके 5 मिनट्स के बच्चों के साथ प्ले करें, उनको इनकरेज करें, टिप्स दे दें। जबरदस्त, यानी ये प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है। प्लस ये कि जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं तो बड़ा कल्चरल म्यूजिक शो होने जा रहा है। हमने 2015 में ये फेस्टिवल हमने किया था, लेकिन उस पर हमारी एक ये शिक थी कि सिर्फ कराची से हम आर्टिस्ट बुलाएंगे। अच्छा। इस पर मैम अमरीन से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि म्यूजिक तो हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान का सुनते हैं, सही, खुमारियां भी कुछ सुनना पसंद करते हैं, वो पेशावर बेस्ड हैं, जरसांगा आ रही हैं वो पेशावर बेस्ड हैं, इस्लामाबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट फेयर कि हम सिर्फ कराची का म्यूजिक सुने, हमें सारे पूरे पाकिस्तान का म्यूजिक हमें कराची में लाना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमारे साथ एक और बड़ी जबरदस्ती और बहुत खूबसूरत सिंगर बैठी है, उनसे भी हम इस वाले से बात करना चाहेंगे। आप विद इन पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से हम अगर बात करें, किस तरह से देख रही है, किस हद तक बेहतरी आई है? प्लस हम देखते थे कि एक टाइम होता था जब हमारे सिंगर्स अब इंडिया में कोई गाना गाते थे तो वो यहाँ पे स्टार बन जाते थे, लेकिन यहाँ पर अब इतने बेशबहा सिंगर्स हैं, इतने ज्यादा सिंगर्स हैं, पर उन्हें वो रीच नहीं मिल पा रही, क्या वजह, क्या समझते हैं, क्या हर्डल है? आई थिंक अभी भी काफ़ी जगह म्यूजिक पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो इनक्रेज नहीं करते हैं, लोग कॉन्सर्ट्स में आने से भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो इफ इट्स सिक्योरिटी रीजंस और व्हाट रीजंस, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पाकिस्तान में वो आर्टिस्ट को वो चीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। हाँ, बट पहले से बेहतर है। So, yeah, so पहले से बेहतर है। अच्छा, ये क्या वजह होती है कि अगर कोई कोई भी सिंगिंग करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपने घर में कहते हुए बताते हुए उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि नहीं डांट पड़ेगी, और अगर वो कोई गुनगुना रहा है, मतलब अगर उसकी आवाज़ को आप पॉलिश करके प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये अभी क्या हम लोगों के अंदर जो है थोड़ी सी हेजिटेशन है कि हम अगेन ये चेंज आ रहा है। जैसे आप देखिए हमारे पाकिस्तान टेलीविजन में एक ज़माना था कि अच्छे घरों की बच्चियाँ नहीं आती थी,
बट बहुत से सीनियर हमारे प्रोड्यूसर्स रहे, पीटीवी के सायरा काजमी साहब आती हैं, सुल्ताना सिद्दीकी थी, इन्होंने अच्छे घरों की लड़कियों को लेके आए. अब आज जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे फैमिलीज की बच्चियां आ रही हैं टेलीविजन में. इसी तरह म्यूज़िक में भी ज़रूरी है. हमारी अपनी कोशिश है कि हम मैं और निकाल अभी यही बात कर रहे थे, बल्कि किसी एक खातून की बात कर रहे थे कि उनको इजाज़त ना मिली आने की. शी इज़ अ यंग कराचीआइट, आईवी लीग एजुकेटेड हैं. अच्छा. ऐसे अच्छा लोगों को आना अच्छा? बहुत अच्छा गाती हैं. हाँ. और उनको नहीं मिली इजाज़त. हालांकि हम समझते हैं ऐसे लोग जब आते हैं दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि आप भी आइए, बिकॉज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. हमारी कोशिश जो है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि कराची में वी वांट टू रिप्लेस द साउंड ऑफ गन फायर विद द साउंड ऑफ म्यूजिक. ये बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दे दिए. निकाल, आपसे जानना चाहूंगी, आपको बड़ा टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में और मैं सिर्फ आपको एक म्यूजिशियन या सिंगर नहीं देखती, मैं आपको एज एन आर्टिस्ट देखती हूँ और डेफिनेटली आपके बहुत से फैंस भी हैं. म्यूजिक के हवाले से और म्यूजिक से वाबस्तगी आपकी बहुत पुरानी है, तो किस तरह से आप लोगों को इनकरेज करेंगे, जैसे कि हमें देख रहे हैं और एक बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल होने जा रहा है कराची में, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, किस तरह से हम लोगों को इनकरेज करें कि इस तरह की फेस्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करें? देखें जी, पहली चीज तो है कि हमारी जो फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, उनके लिए बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं रही. उन बेचारों को इंडियन मीडिया ने, बॉलीवुड ने इतना उनको ब्रेन वॉश किया हुआ है. कोई भी मतलब के हनी सिंह का गाना हर बच्चा आपको सुनाने को तैयार है, लेकिन उनको ये आप पूछें कि जी अहमद जानजेब का गाना आपने सुना है, तो वो कहेंगे जी कौन सा वाला, वो जी कोक स्टूडियो में. अब वो मसला सारा यहाँ आ जाता है कि हमारी जो मीडिया है वो इंडियन कंटेंट की इतनी ज्यादा प्रोलिफरेशन हो गई कि हमारे अपने आर्टिस्ट का जो कंटेंट है उसको सुनने का मौका नहीं मिलता. आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैलेंट को प्रमोट करने की, आवाज की बात हो रही है, सिंगिंग की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की, अगर किसी की आवाज बस नॉर्मल है और वो अच्छा गुनगुना लेता है या अच्छा गा भी लेता है तो वो सिंगर बन सकता है उसको, अगर वो मेहनत करे तो, या फिर उसके लिए सिंगिंग के लिए चाहिए ही कोई बड़ी ब्लेस्ड या मेलोडियस वॉइस? जी, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं आपको चाहिए. आपको देखने को अच्छा लगना चाहिए और गाना आपको बेशक ना आता हो. अच्छा. बहुत सारे लोग ऐसे हमारी फील्ड में अब मौजूद हैं जिनमें ये नहीं है, ये बहुत अच्छा गाती हैं. अच्छा, देखने को भी अच्छी जी, जी. लेकिन ये एक्सेप्शन है. नॉर्मली अच्छा. होता है कि लोग अपनी लुक्स पे फोकस करते हैं. आप देखें कि आजकल के सिंगर एक्टर भी बन गए हैं और जो एक्टर थे वो सिंगर बन गए. अब तो पॉलिटिशियंस भी बनना शुरू, पॉलिटिशियंस भी बनना शुरू. अब तो साउंड में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि वो आपकी आवाज को भी जो है वो कवर अप कर देते हैं. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि सिंगिंग टैलेंट को आप प्रमोट करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको ना प्रमोट करें, इनको कहें कि आप कोई दूध की दुकान या कोई छलियां बेच लें ताकि वो जरा रेगुलर आमदनी आपके पास आए, क्योंकि उनकी जो आवाज के हालात है उनको बुक करना बड़ा मुश्किल है. बुक करना बड़ा मुश्किल. अच्छा, अभी आप लोग इस प्रोग्राम को ओवरऑल देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, बड़े ही सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चला भी रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी अभी तक कोई ऐसा टैलेंट आपके सामने आया है कि यार ये तो अपकमिंग स्टार है बस, और कहाँ से उसका ताल्लुक है कोई? एक्चुअली आई एम टीचिंग दीज टू गर्ल्स सिंगिंग, दोनों एक 12 साल की है और एक 10 साल की है. आई हैव हर्ड, मैं मतलब मैंने सुना है इतनी लड़कियों को, लेकिन इतनी अच्छी आवाज़ मैंने अभी तक नहीं सुना. आई सी अ गुड टैलेंट इन देम एंड आई थिंक व्हेन दे ग्रो अप और इवन राइट नाउ दे कैन. Achha, are they from Karachi? When you start singing, Karachi, yes. When you start singing, so who told you that you are a very good singer? Actually, when I started, I don't think I was that good. लेकिन मैं क्योंकि मेरी फैमिली एक म्यूजिशियन की फैमिली से हूँ मैं. मेरे डैड एक म्यूजिशियन है, इवन दो ही टेक्स इट एज अ हॉबी. ही इज वर्किंग इन अ बैंक, बट क्योंकि आपको वाइब इंस्टेंट वहीं से आता ना, जब कोई कहते हैं ओह यू आर वेरी गुड सिंगर, आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हैं, उसके बाद आपको खुद रियलाइज होता है अच्छा क्या मैं अच्छा गा रहा हूँ, इस तरह का कुछ था या बचपन से पैशन था? मुझे लाइक आई सेड आई वाज इन द क्वायर, तो म्यूजिक का सेंस था. अच्छा, लेकिन आई व्हेन आई वाज लाइक 17-16 दैट्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. ओके, सो उससे पहले देयर वाज नो प्रैक्टिस, इट वाज जस्ट नॉर्मल सिंगिंग. तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिनको सिंगर या कोई भी प्रोफेशन आपको जिनमें जाना है उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. अच्छा, कोई भी सिंगर हमारे पास आता है ना शो में, मैं उससे ये जरूर पूछती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं जान सकूँ आखिर वजह क्या है. हम जब पिछले टाइम की बात करते थे, इससे पहले वाला जो एरा था, वहाँ पर हमारे जो सिंगर्स थे वो सॉन्ग गाते थे, कवाली गाते थे, कुछ भी गाते थे, जबरदस्त किस्म का स्टारडम मिलता था. आज हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बहुत हिट गाने भी दे रहे हैं, पर वो स्टारडम उन्हें नहीं मिल पा रहा. क्या वजह समझते हैं? बिकॉज़ दे डोंट वर्क हार्ड, सॉरी.
because they don't work they are very negative. I've seen a lot of good singers and a lot of good talent, mm-hmm. but they are very negative and they don't push themselves forward. That's negative in a sense. इधर नहीं हो सकेगा. Celebrity का एक trend चल गया और पूरी दुनिया में. Overnight कोई बंदा को mic को कुछ करता है तो जी अगले दिन वो star होता है. यानी singer बनने के लिए नहीं celebrity बनने के लिए काम किया जा रहा है. Same fame और पैसे के चक्रों में शोहरत के चक्रों में लोग सिंगिंग की तरफ आ गए हैं कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. इससे कुछ चंद साल पहले जो थे लोग एक्टिंग के चक्रों में थे कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. फिर आपने देखे ईंट उठाए तो मॉडल निकल आती है और सारी खफा हो जाएंगे आपकी वीडियो में किसी ने काम नहीं करना. वीडियो में पता है क्या बड़ी मुश्किलों से तरले मिलते करने पड़ते हैं मॉडलों के. आपकी मेहरबानी आ जाए हमें कौन देखेगा. फिर बनी देती है अपनी मर्जी से. वो कहती है इस टाइम पर आएंगे एक ऑल टाइम है और फिर हम चले जाएंगे. तो हमारा चैलेंज एक्चुअली कलेक्टिवली है कि हम म्यूजिक को नॉर्मलाइज सोसाइटी में अच्छे म्यूजिक की तरफ लोगों को ले. बेहुदा म्यूजिक या जो गंदा म्यूजिक होता है जिस तरह आइटम नंबर्स होते हैं या जिसमें औरतों को वो मिसोजिनिस्टिक तरीके से देखते हैं नेगेटिव एक फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत. अब हमारे मर्द हजरात भी माशाल्लाह उनकी थिंकिंग ही कुछ इस तरह की चाहते हैं कि हमारी लड़कियां भी करें तो हमारा तो कल्चर ही वो नहीं है जी. तो हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना है अपने टैलेंट को प्रमोट करना है. इंडियन कंटेंट ने मेरी नजर में काफी लोगों को अभी जो सिंगिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में यूजुअली कोई ना कोई एरा चल रहा होता है जिसमें कोई सिंगिंग ट्रेंड होता है जिसमें खास किस्म के कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे होते हैं. हर टाइम की एक अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है. अभी जो करंट जो म्यूजिक है वो पाकिस्तान में किस तरह का म्यूजिक है. मिक्स है सूफी है रॉक है. सूफी वाला जो सीन है जी वो तो पिछले 20 साल से हम लोगों ने उसको काफी हिसाब हटा दिया. तो मेरे के बुल्ले शाह भी अब तंग आ गए कि यार बस करो. अब एक्चुअली जो सबसे एक्साइटिंग जो म्यूजिक बन रहा है जिस तरह लिसिया बता रही यंग जो लोग हैं ना दे आर रीडिस्कवरिंग देयर रूट्स. वो डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं. हमारे सिंगर्स अब जो है वो किस तरह का म्यूजिक बना रहे हैं क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है जो भी म्यूजिक बनता है पाकिस्तानी उसको एंजॉय भी करते हैं लेकिन वी डोंट नो अबाउट दैट कि ये एक्चुअली म्यूजिक की क्या फॉर्म है. वो मैं अभी देखें जिस तरह इस हमारे फेस्टिवल भाई लियारी अंडरग्राउंड वाले बच्चे हैं. अब वो रैप ग्रुप है. अब वो इस वक्त करंटली जो सड़कों पे जो हो रहा है जो स्ट्रीट में हो रहा है वो बच्चे एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक. हम लोग जो के मिडिल इनकम ग्रुप से हैं या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं हमारे इंटरेस्ट कुछ और हैं. लेकिन हमने रियलाइज ये करना है कि हर किस्म का एक्सप्रेशन पर मजे की बात ये निकल म्यूजिक वो चीज है जो हर एक तबके को एंजॉय कर सकते हैं. अच्छा हमारे साथ हैं ये बताएं कि अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं क्या-क्या प्लान्स हैं आगे के अभी और स्पेशली न्यू ईयर का जानना चाहूंगी. न्यू ईयर आ रहा है कोई कॉन्सर्ट वगैरह आप लोगों का. अच्छा न्यू प्रोजेक्ट्स आई हैव डन टू ओएसटीज रिसेंटली आई थिंक कुछ टाइम में आ जाएंगे. जिंगल्स भी किए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग ऑन माय ओन सॉन्ग एंड माय ओन वीडियो. होपफुली इट शुड बी आउट इन जनवरी 2018. आपके क्या प्लान चल रहे हैं उस पे. मैं तो जी बस वेट कम करने के चक्रों में होता हूं. अच्छा वेट कम करने के चक्रों. हाँ जी तीन चार मरतबा मुझे लोगों ने. वैसे ही आप सेलिब्रिटी हैं वैसे ही स्टार हैं मतलब आप. उसका क्या फर्क पड़ता है. स्टार होने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि बंदा गोलगप्पा बन जाए. लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन और मुनफरिद अंदाज से कवाली पढ़ने वाले अजीज मियां कवाल की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है. अजीज मियां कवाल अपनी कवालियों में इकबाल और दीगर की जो है